Assalamualaikum मेरे दोस्तों, आज का दिन है 11 अक्टूबर और अगर मैं इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से बता तो 11 सफ़र और इस समय वक्त हो रहा है 12:19। हमारी ट्रेन है लखनऊ से दिल्ली की शताब्दी दिन में 3:30 बजे, जो कि हम पहुंच जाएंगे रात तक। और कल से इंशाल्लाह आज से ही हमारा स्टार्ट होने जा रहा है सफ़र इश्क। सफ़र इश्क क्या है, ये आने वाले इंशाल्लाह जो 10-12 व्लॉग्स होंगे मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि सफ़र इश्क क्या है। बाकी अगर मैं बताऊं कि मैंने आज तक अपने किसी भी व्लॉग में रिलीजन या किसी चीज़ के बारे में बात नहीं की है, इसलिए मेरी स्टार्टिंग हमेशा रहती है अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, केम छो सब, उसमें सारे धर्म एक साथ हैं। तो आज मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। आई एम अ ह्यूमन फर्स्ट, देन आई एम इंडियन, देन आई एम मुस्लिम, ह्यूमन इंडियन मुस्लिम, देन आई एम शिया मुस्लिम। हम लोग के लिए इस समय जो वक्त चल रहा है, इस समय जो महीने चलने हैं, एक मुहर्रम से लेके 8 रबी अव्वल तक के जो महीने होते हैं वो गमी के महीने होते हैं। ये गम के महीने क्यों होते हैं, आप लोगों ने बहुत से लोगों ने जिन्होंने सुना होगा वाक्या है करबला, हम लोग उन करबला के शहीदों का गम मनाते हैं जो एक बहुत बड़ी इस दुनिया में सबसे बड़ी ट्रेजेडी मानी जाती है, जो वाक्या करबला माना जाता है उसका गम मनाते हैं। जिनको नहीं पता है टेंशन ना लीजिए, आप हमारे आने वाले ब्लॉग देखिएगा, इंशाल्लाह अगले महीने आएंगे, इस महीने तो नहीं, क्योंकि हमारा जो हमारी तारीख है पूरा टूर का है वो है 11 से लेके हम वापस अपने शहर लखनऊ आएंगे 26 अक्टूबर को। तो दोस्तों जब आप लोग तक ये ब्लॉग पहुँचेगा इंशाल्लाह मैं लखनऊ वापस आ चुका होऊंगा। मेरी दुआ यही रहेगी कि जितने भी ज़ायरीन हैं, जितने भी मौला हुसैन मौला अब्बास के चाहने वाले मेरे मौला, उन सबको ज़्यारते करबला, ज़्यारते सीरिया, ज़्यारते ईरान नसीब हो। तो ठीक है, आज से हमारे सफ़र इश्क की शुरुआत होती है, तो चलिए चलते हैं यहाँ से। सो गाइज वी आर ऑल सेट टू गो टू इराक ऑन अ सफ़र इश्क। सो ये सब चेहरे आपको देखेंगे हमारे साथ इन व्लॉग्स में, शुरू कर चुके हैं हम। और हमारा अब लगेज मैं आपको दिखाऊं अगर, तो लगेज पूरा भार भरा हुआ है, अभी सिर्फ 10% लगेज है, अभी इंशाल्लाह और बढ़ेगा। भाई हमारे और आ रहे हैं और बहुत से नए लोग इसमें दिखेंगे। सबसे स्मार्ट चेहरा तो आप देख लो यही है, शादीशुदा है, लेकिन शादीशुदा। तो ठीक है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वाकया करबला सफ़र इश्क आपको पूरा बयां कर सके सारे भाइयों के साथ, सबके साथ। मेरी हमारी अम्मी नहीं जा रही है, क्या हुआ, हमारी अम्मी है, ये बहुत टेंशन में है, बहुत अभी क्या बना समझ ही सकते, लड़का जा रहा है 15-16 दिन के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है। और आ रहे चाची, ये हमारा गुड्डा जी चाची, और हम जा रहे ना तो ये बांधा जा रहा है हमारे नाम जामिन, ताकि अब आपसे मुलाकात करेंगे हम स्टेशन पे। इस समय 3:45 हो रहा है और 3:30 की अपनी ट्रेन है और अभी तक हम लोग 4 बार नहीं पहुंच पाए हैं। हम लोग ने 2 बार रिक्शा इलेक्ट्रिक रिक्शा चेंज किया, उसके दौड़ते हुए आधे रास्ते आए, फिर से दौड़ते हुए नाके से वापस जा रहे हैं, 4 बार वापस के हमारे 4 बार जा रहे हैं, क्योंकि पूरे लखनऊ में इस समय जाम है। फाइनली रेकाबगंज से पैदल चलने के बाद हम लोग अब आ गए हैं यहाँ पे छोटी लाइन पे आ गए हैं लखनऊ जंक्शन पे, और सामने शताब्दी अपनी खड़ी है और ट्राइपॉड मेरा वहाँ पे, तो इसलिए मुझे हाथ को ट्राइपॉड बनाना पड़ रहा है। तो ठीक है इंशाल्लाह यहाँ से हम लोग जा रहे हैं दिल्ली, दिल्ली से फिर इंशाल्लाह हम लोग की रवानगी होगी रात नजफ के लिए, तो मौला हम लोग की ज़्यादा कबूल करें। तो फाइनली हम लोग शताब्दी में बैठ चुके हैं, यहाँ से रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए। 3:48 हो रहा है, इंशाल्लाह रात के कितने बजे तक पहुँच जाएंगे, 10:30-11 बजे तक पहुँच जाएंगे दिल्ली, और वहाँ से फिर 1 घंटे में मतलब 12 बजे तक हम लोग होंगे T3 इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, तो वहीं मुलाकात करेंगे डायरेक्ट आपसे। तो गाइस इस समय 1:30 बज रहे हैं और हम लोग एयरपोर्ट पर आ चुके हैं और अपने को बोर्डिंग पास मिल चुका है, माशाल्लाह से बहुत खुशी हो रही है। बस अपने भाई लोग पूरा अभी काफिला वहाँ पे है, तो जल्दी से वो लोग आएँ और फिर यहाँ से रवाना होंगे 4 बजे नजफ़ के लिए। तो इस समय बस अपना 10-15 मिनट रह गए, बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, 10-15 नहीं एक्चुअली यहाँ 25-30 मिनट रह गए, और बहुत थक गए यार इमिग्रेशन के अंदर, इतना ज़्यादा थक गए क्या बताएं, क्योंकि लखनऊ से पहले दौड़ते हुए स्टेशन फिर पहुँचे, फिर वहाँ से हम लोग ने शताब्दी से दिल्ली, दिल्ली से फिर वहाँ से बस से बहुत गंदा सफ़र करके यहाँ पहुँचे, फिर इमिग्रेशन में इतना टाइम लगा दिया, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो ठीक है अब यहाँ से चलते हैं और आपसे डायरेक्ट मुलाकात करेंगे अल नजफ एयरपोर्ट इराक में। ये रहा हमारे सफ़र का सफ़र इश्क का साथी, छोटा सा साथी, बहुत सा साथी हैं लेकिन छोटा साथी अपना अरमान है, तो इंशाल्लाह सब लोग का सबको आप देखेंगे, तो अब आपसे मुलाकात होगी अल नजफ एयरपोर्ट इराक इंशाल्लाह।
फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं बस जहाँ पे एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, अंदर जा रहे हैं एयरपोर्ट के ताकि इमिग्रेशन वीजा वीजा लेके जाएंगे बाहर। और ये रहे हमारा पूरी फैमिली कारवा। आवाज नहीं है, ये काट दो, ये काट दो, ये ना डालना। सबसे पहले जमीन पे उतरते ही जमीन को सजदा करना होता है, पहले छूना होता है, क्योंकि ये जमीन बहुत पाकसाफ जमीन है। यहाँ पे है मौला अली का रौजा, बादशाह का रौजा, वो भी दिखाएंगे, सब दिखाएंगे, आपको सबकी ज्यारत कराएंगे इंशाल्लाह। तो ये रहा अपना अल नजब अशरफ एयरपोर्ट, ये अराइवल का है। और इस समय देख ली भैया वीज़ा के लिए लाइन कितनी लगी है, तो यहाँ पे लगभग हम लोग को 1.5 से 2 घंटा लगने ही वाला है। और हम लोग होटल पहुँच जाएंगे 12-1 बजे तक, और उसके फिर इंशाल्लाह ज़्यारत के लिए तुरंत हरम जाएंगे हम लोग। अभी हम यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज करा रहे हैं 4,000 रुपये इंडियन, और अभी उसको एक्सचेंज कराएंगे तो देखिएगा हमें नोट कौन से मिलेंगे यहाँ पे। और ये हमें नोट मिलने हैं, ये देखिए 10,000 के इतने इतने बड़े बड़े नोट। बाकी ये जो फटे हुए फटे गले नोट दिख रहे हैं, आप यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज करोगे आपको 4 हिस्सों में नोट देते, 5 हिस्सों में देते, यहाँ पे सब कुछ चल जाता है, कोई ये नहीं कि फटा हुआ नोट है या क्या है। और यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर सबसे ज़्यादा दिक्कत होती, क्योंकि दे डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश और हम लोग हिंदी, और हम लोग इनकी भाषा आती नहीं क्योंकि ये लोग अरेबिक हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है लैंग्वेज की, कि अभी क्या बोलने क्या है। तो हाँ एयरपोर्ट पे तो थोड़ा बहुत इनको आती है, ना तो बिल्कुल नहीं। जब यहाँ पे आप रेट सुन रहे हो कि कितने के हैं, 5,000, 4,000, 10,000, 12,000, और आप इसको कनेक्ट करोगे इराकी होता है, लेकिन आप इसको तुरंत कनेक्ट करने लग जाओगे माइंड में कि इंडियन। अरे बाप रे बाप, जैसे अभी हम यहाँ पे कैमल मिल्क ले रहे हैं 2,000 इराकी का कैमल मिल्क ले रहे हैं, और 5,000 इराकी का सो फाइनली हम लोग अल नजफ शरीफ एयरपोर्ट से बाहर आ चुके हैं, और इंशाल्लाह हम लोग यहाँ से रवाना हो रहे होटल की। और होटल हमारा ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब हरम से ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से तो दूर है, 30-35 मिनट का रास्ता है जो बताया गया हम लोग को। बट उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि कहीं पर भी यहाँ पर हमें मोबाइल या कैमरा फोटोग्राफी अलाउ नहीं है हरम के अंदर, मस्जिद के अंदर। तो हम अंदर से आपको कोई भी ज़्यादा नहीं करा पाएंगे, कोशिश रहेगी अगर कहीं मौका मिला तो हम आपको करा दें, लेकिन अगर मौका नहीं, मतलब यहाँ पे अलाउ नहीं है, तो उस चीज़ का एहतराम करते हुए आप लोग को हम ज़्यादा कराएंगे बाहर से ही, अंदर से नहीं करा पाएंगे। तो अब आपका इंशाल्लाह अगला शॉट होगा मौला अली के हरम का, बहुत बेटा। तो हमने आपसे कहा था कि डायरेक्ट नेक्स्ट शॉट जो होगा वो मौला अली के हरम का होगा, लेकिन हम लोग ऐसा गंदा जाम में फंसे हैं और ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर से चलते आ रहे हैं, और अभी भी 3-4 किलोमीटर हम लोग की चॉइस थी। और यही है यार सफरेश, यही है अभी हमने फर्स्ट टाइम ये देखा कि अभी यहाँ पे देख सकते हैं, ये चीज़ एक काइंड ऑफ माउंटेन है जो ऊपर की रोड कनेक्ट करता है, ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। पूरे पूरे यहाँ पे कुछ दिखाऊंगी, ये देखिए आप एस्केलेटर्स देखिए, पूरे एस्केलेटर्स लगा रखे हैं इन्होंने, एंड एसी ये देखिए आप लोग, एसी हर जगह पे लगा रखे हैं यहाँ पे, वो देखिए पहाड़ उस साइड पूरा आप लोग, याली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद। अरे साहब जो पहाड़ कटे हुए थे, हमें लग रहा है वो सारे रास्ते ऐसे ही बना रहे हैं हरम को जोड़ने के लिए, वो बहुत खुश कर रहे हैं ये लोग। एसी मैंने दिखा है कि हर कदम कदम पे एसी लगे हुए हैं, यहाँ पे गर्मी का एहसास नहीं हो रहा बिल्कुल भी। और यकीन मानिए कम से कम ये तो 45 डिग्री टेम्परेचर बाहर का होगा। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं सिर्फ आपकी खिदमत के लिए खड़े हैं, आप सिर्फ मुंह से बोलो जवाब सकते निकालो कि आपको चाहिए क्या है, वो आपके सामने हाजिर करेंगे। ये देखिए कि यहाँ पे ये खराब हो गए तो तुरंत चालू काम कर दिया गया है ताकि जल्दी से ये तैयार हो, और जायरीन को लोकल इंजीनियर है, कोई ये नहीं है कि बाहर की कंपनी से आया हो, कोई प्राइवेट कंपनी का हो, बिल्कुल सैलरी कोई कुछ नहीं, कोई सैलरी के लिए काम नहीं कर रहा, हम लोग यहाँ चलने के लिए पे नहीं कर रहे, कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मौला के लिए, मौला अली मौला हुसैन के लिए। भाई ने अभी एक बात बोली, 0 प्रॉफिट, बहुत बड़ी। यही है यार सफरेश अरबईन,
हम लोग दाखिल कर चुके हैं। जिस रोजे को देखने को तरस रहे थे वो रोजा ये रहा मेरे मौला अली का। यार मेरे मौला अली ये रहा मेरे मौला अली का रोजा मेरे परवरदिगार, जिसको सुबह से देखने को तरस रहे थे हम सब जायरीन। और ये अभी जायरीन की 1% भी पॉपुलेशन ही, अभी ये पूरा हरम को पूरा बढ़ा दिया गया है, पूरा दूर दूर तक बढ़ा दिया गया ताकि जायरीनों की जायरीन के लिए और भी रुकने की जगह हो पाए। ये पूरे हॉल्स बन रहे हैं, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इंशाल्लाह 2 साल के अंदर सब बन जाएगा। बहुत समझ रहे अपने आप को कि ये मुकाम दोबारा हासिल हुआ। होटल आने के बाद कुछ मसले मसाइल हो गए थे, उन्हीं में अटक के रह गए और अभी तक कुछ खा नहीं पाए। 2 बज रहे तकरीबन यहाँ के और 3 घंटे के बाद मैं शूट कर रहा हूँ ये। तो अब हम लोग, भूख इतनी ज़्यादा लगी कि हम लोग यहाँ पे आए पिज्ज़ा लेने के लिए और इराकी पिज्ज़ा कुछ खाएंगे। देखिए पता अभी बन के आता तो दिखाते हैं आपको। और ये हमारा पिज्ज़ा बन के रेडी हो गया, ये अभी सिर्फ 2 ही पिज्ज़ा हैं, टोटल 6 पिज्ज़ा हम लोग मंगवाए हैं और बाकी सब रेडी हो रहे हैं अंदर। हद से ज़्यादा इस वक्त भूख लगी हुई, कम से कम 5-6 घंटे हो गए कुछ नहीं खाया फ्लाइट के बाद से। हम लोग ने सुबह 7-8 बजे के बाद से कुछ भी नहीं खाया हम लोग ने, तो बस जल्दी से लेके जाते हैं खाते हैं और फिर फ्रेश होके रेडी होके जाएंगे ज्यारत के लिए हम लोग। तो इस समय रात के आई गेस 8:30-9 बज रहा। ये रहा हम लोग का होटल बरकतल अब्बास, जो कि आराम से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आज का दिन जो है यार बहुत हैक्टिक हो गया, बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या होता है, मशक्क़त करनी पड़ गई चीज़ों के लिए। हुआ क्या कि भाई ऑफिस से अरबईन का वक्त चल रहा है तो भीड़ तो लाजमी है यार कि होनी है, बिल्कुल मजमा आएगा ही आएगा। लेकिन लास्ट ईयर से 10-20 times ज़्यादा इस बार मजमा है। लास्ट टाइम जो मजमा था अप्रॉक्स वो था 60 मिलियन अराउंड था, इस बार उससे भी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा इस बार हो रहा है माशाल्लाह से मजमा, तो अच्छी चीज़ है ये। और आज हम लोग कहीं ज़्यारत पे नहीं जा पाए हैं, रात को हम लोग सुबह जाएंगे ज़्यारत पे इंशाल्लाह 2 बजे करीब जाएंगे, फिर वहाँ से फजर की नमाज़ पढ़ के वापस होटल आएंगे और बाकी ये आपको हम अपना पूरा सफ़र इश्क दिखाएँगे क्या है, अरबईन भी बताएँगे, सब बताएँगे क्या है। ये तो पहला दिन हम लोग का यहाँ पे, तो बस आज का ब्लॉग हमारा यहीं पे मैं एंड करता हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग मैं स्टार्ट करूँगा कल सुबह से। सो विल सी यू सून, टिल देन बाय बाय।